तो आपको क्या पता है कि जो वडाला एरिया है, स्लम एरिया, वो मुंबई का सबसे बड़ा एरिया साइन धरावी के बाद जो एरिया है स्लम, वो आपको वडाला में मिलेगा। वडाला दूसरे नंबर पे है स्लम एरिया में। यहाँ भी लोग बहुत ही बड़ी तादाद में, बहुत ही ज़्यादा आबादी वाला ये एरिया है वडाला रोड, जो कि मुंबई में है। तो ये साइन धरावी जो है एरिया स्लम, उसके दूसरे नंबर पे वडाला आता है। तो ये वडाला ईस्ट है। यहाँ आप हमारा रेस्टोरेंट, ये अभी भाजी मार्केट, आप सब्जी मार्केट में हैं, आप देख सकते हैं। फिर रॉयल रेस्टोरेंट, फैमिली रेस्टोरेंट है। और यहाँ बहुत ही बड़ी तादाद में काम, कारखाने और लोग दूर दूर से पैसा कमाने के लिए यहाँ आते हैं। कोई नींबू पानी बेच रहा है, तो कोई मछली बेच रहा है, तो कोई सब्जी बेच रहा है, तो कोई फल फ्रूट बेचता है। बहुत ही दूर दूर से लोग यहाँ काम करने के लिए आते हैं। एशिया का सबसे बड़ा एरिया मुंबई का साइन धरावी माना जाता है। और दूसरे नंबर पे आता है वडाला, ये भी एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जामुन की फसल भी है, जो कि आम के सीजन में आती है। और जूस, मैंगो जूस की दुकानें हैं। और नारियल पानी तो मुंबई का फेमस है, जो कि यहाँ पे लोग सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम किसी भी टाइम पीते हैं। स्लम एरिया वडाला ईस्ट में दूर दूर से आप देख सकते हैं कि जो पीछे आप बिल्डिंग यहाँ देख रहे हैं, वो आईमैक्स की बिल्डिंग हैं। और ये यहाँ का जो स्लम एरिया में जो सबसे ज़्यादा माना जाता है कचरा, इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी एक एक कमरे में यहाँ लोग 6-7 लोग सोते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रूम जो हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। जो बड़े रूम होते हैं उनका किराया ज़्यादा होता है। छोटे छोटे रूम का किराया 2,000, 3,000, 4,000 तक रहता है। जो बड़े रूम रहते हैं उसका 6-7-8 हज़ार तक रहता है। वो अजमेरा आइलैंड की बिल्डिंगें हैं पीछे, जो आईमेक्स की बेस्ट बिल्डिंगों में आती हैं। और ये है स्लम एरिया साइन धरावी ईस्ट, सॉरी वडाला ईस्ट। और ये आईमेक गार्डन रास्ता जाता है, इधर से लोग घूमने के लिए जाते हैं। दोस्तों आपको पता है कि लोग यूपी, बिहार, बंगाल, कलकत्ता, झारखंड सभी शहरों से लोग यहाँ पैसा कमाने के लिए आते हैं। कोई टैक्सी चलाता है, तो कोई कंपनियों में काम करता है, कोई पाइपलाइन में काम करता है, तो कोई यहाँ पे अपनी अपनी खुद की दुकानें, छोटी मोटी दुकान, कोई पान की दुकान, तो कोई टैक्सी ड्राइवर है, तो ऐसे ही करके अपना खर्चा चलाते रहते हैं। लोग छोटे छोटे गांवों से, छोटे छोटे शहरों से पैसा कमाने के लिए साइन धरावी में, वडाला में सबसे ज़्यादा आते हैं। तो लाइक करें, शेयर।